हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z6 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू सेटिंग जो है ना, इनेबल होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपको अगले पेज में सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पेज में आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे की साइड ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब आपका एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का ये पेज ओपन होगा, आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दे रखा है ना एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट ऑफ, इसके नेम के ऊपर ही आपको टैप करना है, तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, तो आपको नीचे अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, अलाउ कर देना है। अब आपका एक न्यू पेज आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है ना इस पेज के अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो है ना इस बॉक्स पे मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बॉक्स में राइट टिक लग जाएगा। फिर इसके बाद आपको नीचे की साइड ये सेव का बटन मिलेगा, सेव के बटन पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका एक मोबाइल फोन की स्क्रीन पे ना एक बटन फ्लोट करने लगेगा, ये बटन आपका किसी भी पेज पे सब जगह फ्लोट करेगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो अब ये सेटिंग इनेबल हो जाती है। अब ये सेटिंग इनेबल होने के बाद काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूं। आप इस बटन को टैप कीजिए, ठीक है, किसी भी पेज पे होंगे ना आप इस बटन को टैप कीजिए फ्लोटिंग बटन को, तो आपका पेज ओपन होगा इस तरीके का। इस पेज में आपको काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, इन ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको जो है ना स्क्रीनशॉट का बटन आपको प्रेस करके दिखाता हूं, तो क्या होगा मेरे मोबाइल फोन का ना स्क्रीनशॉट आ जाएगा जो मेरा करंट पेज होगा, ठीक है। तो आप इस पेज के अंदर जो भी ऑप्शन आप टैप करेंगे ना वो ऑप्शन अपना काम करेगा, ठीक है। ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपके फोन में। अब मैं आपको ना इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा आपको सर्च आइकन का, सर्च आइकन पर आपको इसे सिलेक्ट करना है और यहां पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है ना यहां पर आपको पूरा टाइप कर देना है इस तरीके से, तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है आपका मोबाइल फोन जो है ना आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।